प्रणाम एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फ्यूचर टेंस। फर्स्ट फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, सेकंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, थर्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। लेट्स स्टार्ट। फ्यूचर टेंस मीन्स वह टेंस जो फ्यूचर में होने वाली घटना को बताता है। फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, इट शोज एन एक्शन इन द फ्यूचर टेंस, मीन्स यह भविष्य में होने वाली किसी भी घटना को बताता है। इसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कह सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। शैल इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन एंड विल इज यूज्ड विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन्स। फॉर एग्जाम्पल आई शैल प्ले, आई फर्स्ट पर्सन है, सेकंड वी विल गो देयर, थर्ड यू विल ड्रिंक वाटर। ओके, एंड सेकंड टेंस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इट शोज एन एक्शन दैट विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर। यह भविष्य में कंटिन्यू होने वाली एक्शन के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल सॉरी स्ट्रक्चर विल बी और शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी, मीन्स इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का यूज़ किया जाता है और विल बी एंड शैल बी यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ही विल बी कमिंग सून, मीन्स वह शीघ्र ही आ रहा होगा। सेकंड आई विल बी स्टेइंग हियर टिल फ्राइडे, में यहाँ फ्राइडे तक रुका हुआ रहूँगा। थर्ड आई विल बी राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा होऊंगा या मैं एक पत्र लिख रही होंगी। थर्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इट शोज द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन इन द फ्यूचर, यह भविष्य में हो चुकी होने वाली एक्शन को शो करता है ना। स्ट्रक्चर विल हैव और शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। विल हैव इज यूज्ड विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन्स एंड शैल हैव इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वी शैल हैव संग अ सॉन्ग, हम एक गीत गा चुके होंगे। सेकंड यू विल हैव स्पोकन टू हिम, आप उससे बोल चुके होंगे। थर्ड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत तक आई विल हैव वर्कड हियर फॉर 3 मंथ्स, मैं यहाँ मुझे यहाँ काम करते करते 3 महीने हो जाएंगे। ओके, फोर्थ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इट शोज द पार्शियल कंप्लीशन एंड कंटिन्यूशन ऑफ एन एक्शन इन फ्यूचर, यह भविष्य में कंप्लीट थोड़ी सी कंप्लीट होने वाली और कंटिन्यू चलने वाली किसी एक्शन को शो करता है। इसका स्ट्रक्चर होता है शैल हैव बीन और विल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी। शैल हैव बीन इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन एंड विल हैव बीन with second and third persons. For example, first he will have been living here for 4 years, वह यहाँ 4 वर्षों से रह रहा होगा। And second, I shall have been playing cricket since morning, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा होऊंगा। Okay, so today we have discussed future tense. Thank you for watching this video.